अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा के गौनियाना बाजाखाना रोड पर स्विफ्ट कार और मारुति कार में हुई टक्कर, एक स्कूली बच्चे व एक औरत की हुई मौत, 3 स्कूली बच्चे हुए जख्मी हो गए। सरकारी स्कूल के बच्चे ने नथाना में पेपर देने के लिए जा रहे थे कि पीछे वरना कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जाँच में जुटी। गुनियाना मंडी से बच्चे कार में सवार होकर सरकारी स्कूल नथाना में पेपर देने के लिए जा रहे थे, जिनके साथ एक अध्यापिका भी थी। जैसे ही उनकी कार बाजा खाना रोड पर तो पीछे से आ रही वरना कार ने मारुति कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार अध्यापिका और एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल बताई जा रही है उसकी मौत हो गई, जबकि बाकी के बच्चे गंभीर हालत में बठिंडा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह इस बारे में डॉक्टर ने बताया कि यह बच्चे सरकारी स्कूल के हैं और पेपर देने के लिए जा रहे थे कि वरना कार इनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे यह घायल हो गए। बच्चे और इनमें से एक महिला और एक बच्ची की मौत हुई है, बाकी जख्मी का इलाज किया जा रहा है। सर, ये बाजेखाना रोड गुनियाने दे कोले होया है, किसी कार दे विच कोई कार वज्जी हैगी है, उस विच एक लेडी दी डैथ हुई है, एक बच्चे दी डैथ हुई है। लेडी दी उम्र अराउंड 45 साल हैगी है, बच्चे दी उम्र अराउंड 11 साल हैगी है। 3 पेशेंट रैफर होकर साढ़े को गुनियाने को आए गए हैं, उन्हां चों 2 बच्चों के फीमर का फ्रैक्चर हैगा, वो ऑर्थोपेडिशन देख रहे हैगे है, 3 दे माइनर सट हैगी है। ते किन्नी उम्र है बच्चे सर जी? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਅਰਾਊਂਡ 18 ਸਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੀ 11 ਸਾਲ, ਤੀਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਮਮਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ 5-6 ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਖਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇਂ।